नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में या लेडीज़ स्वेटर में डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा, यानी ऐसे 6-6 फंदे करके गिने तो लास्ट में 3 फंदा एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने दूसरे रंग के ऊन को अटैच करेंगे। दूसरे रंग के ऊन को अटैच करेंगे और सभी फंदा उल्टा बना लेंगे। दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदा उल्टा। तो मैंने सभी फंदे उल्टे बना लिए हैं और अब ये लास्ट फंदा है जिसे हम सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे ही बना लेंगे। तो हमने दो लाइन सेकेंडरी कलर से बुन लिया है। अब ये हमारा थर्ड रो है और सामने से, तो अब हम फिर प्राइमरी कलर के ऊन से बुनेंगे। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5, और पांचों फंदों में हम एक साथ सिलाई डालेंगे। ऐसे इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और फिर पांचों फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। और फिर उन अपनी ओर करेंगे, इसी में एक और सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में एक और सीधा फंदा, यानी 5 से हमने 5 फंदे बना लिए। अब नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 फंदे हम लेंगे, 3 4 5, थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे और इन 5 फंदों से हम 5 फंदे बना लेंगे। एक बनाया, थोड़ा सा ऐसे खींचा, उन अपनी ओर किया, इसी में सिलाई डाला, एक और फंदा बनाया, ये हो गया 3, उन अपनी ओर किया, ये 4 हो गया, और फिर इसी में एक और फंदा बना लिया, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर अगले 5 फंदे को लेंगे, थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे और फिर इनसे 5 फंदे बनाएंगे। एक, उन अपनी ओर किया, ये हुआ 2, फिर सिलाई डाला, 3, फिर सिलाई डाला, 5, 5 से 5 फंदे। अगले फंदे को फिर स्लिप किया, नेक्स्ट 5 फंदे को लिया, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और पांचों में एक साथ ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे,
ये दो हुआ, फिर इसी में एक और सीधा फंदा, तीन, उन अपनी ओर किया, ये चार हुआ, और फिर इसी में एक और सीधा फंदा, ये हो गया पांच। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट फंदे को सीधा बना लेंगे, और रॉन्ग साइड से अब हम सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और अब हम सेकेंडरी कलर से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, शेष सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पांचवें लाइन में हम सेकेंडरी कलर के उनसे सभी फंदे उल्टा बना लेंगे। और लास्ट फंदे को सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। अब सेवेंथ लाइन में फिर से डिजाइन बनेगा, तो अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, अब तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा बनाया, उन अपनी ओर किया, और फिर एक और सीधा, यानी तीन से हमने तीन फंदा बनाया। अब देखिए ये फंदा हमारा पांच फंदों में से तीसरा फंदा है, यानी मिडिल फंदा है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए जो फंदा हमने स्लिप किया था वो हो गया तीसरा फंदा, तो ये स्लिप किया हुआ फंदा और दो फंदा दोनों साइड से, यानी कि ये पांच फंदे अब हम ले लेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, तो इन पांच फंदों में अब हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो पांचों फंदों को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, और इन्हीं पांचों में एक और सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, और फिर इन्हीं पांचों में से एक और सीधा फंदा बना लेंगे। तो पांच से हमने पांच फंदे बना लिए। अब देखिए ये हम अगला फंदा हम स्लिप करेंगे, तो ये पांच फंदों में से दो फंदे इस डिज़ाइन में आ गए और दो फंदे बगल वाले डिज़ाइन में आ जाएगा, और ये फंदा हो गया तीसरा फंदा, तो तीसरे फंदे को हमें स्लिप करना है। अब फिर अगले पांच फंदे को लेंगे और इन पांचों फंदों पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, एक सीधा बनाया, उन अपनी ओर किया, इसी में एक और सीधा, तीन फंदे हो गए, फिर उन अपनी ओर किया, ये हो गया चार, और फिर इसी में एक और सीधा फंदा, तो ये होगा पांच। नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगले पांच फंदों को हम लेंगे और पांचों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे,
उन अपनी ओर करेंगे, इसी में एक और सीधा फंदा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, इसी में एक और सीधा फंदा। तो ये हो गए पांच फंदे से पांच फंदा। अगला फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट में देखिए चार फंदा बचा है, तो तीन फंदे पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। क्योंकि ये तीन ही फंदा है इसलिए तीन से तीन ही फंदा बनाएंगे, तीन फंदा है तो तीन फंदा बनाएंगे यहाँ पे हमारा डिज़ाइन। ये पांच फंदा था तो पांच से हमने पांच फंदा बना दिया। यहाँ पे हम अगर पांच फंदा बना लेंगे तो दो फंदा अधिक हो जाएगा, इसलिए तीन से तीन ही फंदे बनाएंगे। और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बनाएंगे। और अर्थ रो और रॉन्ग साइड तो सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो आठ लाइन ये कंप्लीट होता है और इसके साथ ही डिज़ाइन भी। तो अब इसी के ऊपर इन आठों लाइनों को हमें दोहराते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को दोहराते रहने से डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।